दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। गर्भावस्था के दौरान सोते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के नाजुक दौर में एक स्त्री हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है, फिर चाहे बात उसके खान पान से जुड़ी हो या फिर एक्सरसाइज से। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान सोने में होने वाली समस्या भी शामिल होती है। इससे प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन तक चेंज करनी पड़ती है। जिन्हें प्रेगनेंसी में सोने की सही पोजीशन पता नहीं होती है, उन्हें बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था में आपके लिए बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें करना मुश्किल हो सकता है, जिसमें आपकी मीठी नींद भी शामिल होती है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और गर्भावस्था के दौरान सोते समय गलतियां कर रही है, तो आज से ही उनमें सुधार करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था में महिला द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे क्रियाकलाप का असर उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। बहुत सी महिलाएं तो इस बात से भी अनजान होती है कि उनके सोने की पोजीशन भी उसके गर्भ में पल रही एक नन्ही सी जान के विकास को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था में गलत तरीके से सोने के कारण एक ओर जहां बच्चे का विकास बाधित होता है, वही दूसरी ओर प्रेगनेंसी में सोते समय गलत तरीके अपनाने के कारण महिलाओं को भी काफी परेशानी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय अपनी बाएं ओर सोने का अभ्यास करें, क्योंकि गर्भावस्था में सोने की यह स्थिति बच्चे और गर्भाशय में रक्त और पोषक तत्वों के प्रवाह में मदद करती है। यह आपके शरीर में अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को खत्म करने में भी मदद करती है। गर्भावस्था में अपने बाईं ओर सोने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने से आपको बेहतर नींद मिलेगी। जब 4-5 महीने की गर्भावस्था के बाद आपका पेट बड़ा हो जाएगा, तो आपको ऐसा सोने में मदद मिलेगी। जितना आगे आप अपनी गर्भावस्था में बढ़ती जाती है, उतना ही असहजता आपको अपने पेट के बल सोने से हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट और पेट के बल कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। गर्भवती होने पर आपके पेट के बल सोने से पेट दर्द, बवासीर, सांस लेने में तकलीफ और यहाँ तक कि निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय अपने घुटनों को मोड़ना आपको आरामदायक स्थिति में सोने में मदद कर सकता है। इस तरह आपको असहज महसूस करने या अपनी पीठ की बल सोने की संभावना को कम करता है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार रात को सोते समय छोटे बड़े तकिए का इस्तेमाल करता है, या फिर बहुत से लोग तकिए का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी गर्भवती स्त्री को रात्रि सोने में परेशानी हो, तो तकिए का इस्तेमाल करना अच्छा विचार हो सकता है। दरअसल गर्भावस्था के लिए बाजार में अलग से तकिए उपलब्ध है। डॉक्टर की सलाह पर उसका इस्तेमाल करके रात्रि में होने वाले परेशानी को न्यूनतम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, तकिए की स्थिति भी स्त्री की शारीरिक समस्या पर निर्भर करती है। जिस महिला को गर्भावस्था में सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या हो, उन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एसिड ऊपर नहीं आता है और महिला को अपनी स्थिति में काफी राहत मिलती है। तकिए के प्रयोग के पीछे का मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री को नींद के दौरान होने वाली परेशानियों को न्यूनतम करना होता है। इसलिए किसी भी तकिए का प्रयोग करने से पहले उसे एक बार इस्तेमाल करके अवश्य देखें। जब आप खुद को आरामदायक स्थिति में पाए, तभी प्रेगनेंसी के समय उसका रेगुलर इस्तेमाल करें। गर्भावस्था के दौरान बहुत सी महिलाओं को सोते समय सीने में जलन या एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्त्री को यह समस्या हो, तो डिनर में स्पाइसी या मसालेदार भोजन करने से बचना होगा। कुछ चीजें आपके सीने में जलन या एसिडिटी को बढ़ाती हैं, जैसे कि मसालेदार भोजन
खट्टे फल, चॉकलेट और वसा युक्त या तले हुए खाद्य पदार्थ, इसका सेवन करने से आपको बचना होगा। गर्भावस्था के दौरान रात में बेहतर नींद पाने के लिए सोने से पहले खुद को रिलैक्स करना बेहद आवश्यक होता है। मसलन रात को सोने से पहले एक कप गर्म दूध पीना अच्छा आइडिया हो सकता है। इससे बच्चे को एनर्जी मिलती है। फिर अपनी पसंदीदा कोई अच्छी किताब पढ़े या फिर अपने पार्टनर से होने वाले बच्चे को लेकर कुछ अच्छी बातें करें, जिससे आपका मूड अच्छा होगा और आप रिलैक्स कर सकती हैं, जिससे आपको रात में बेहद अच्छी नींद आ सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।